गाइस, वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट बनाना पराठा। चॉकलेट हर किसी को बहुत पसंद होती है और चॉकलेट और बनाना के साथ आज हम ये पराठा बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इजी है एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। सारे इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना अंकिता व्लॉग्स को बिल्कुल मत भूलिए। सो गाइस, बिना देर किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकिता व्लॉग्स के सारे व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। चॉकलेट बनाना पराठा बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए। मैंने यहाँ गेहूं के आटे में थोड़ा सा घी डालकर इसे गूंथा है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैंने जो पराठा बनाऊंगी उसे घी से सेकूंगी इसलिए मैंने इसमें घी यूज़ किया है। अब हम इसकी एक लोई ले लेंगे और नॉर्मल रोटी बना लेंगे इस आटे की। कोशिश करें कि जो कोने हैं उसे हम एकदम पतला बेलें क्योंकि ये पराठे का बेस है और इसे सही बनना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये हमारी रोटी बन के तैयार है। ये एकदम मीडियम साइज़ मैंने जो पराठे का साइज़ होता है वही साइज़ लिया। आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा साइज़ ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड। यहाँ मैं न्यूटेला का चॉकलेट स्प्रेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस पर पूरी तरह से जो चॉकलेट स्प्रेड है उसे अच्छी तरह से फैला दूंगी। मैं यहाँ उंगलियों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो बटर नाइफ होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लगा सो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। कोशिश कीजिए कि कोनों पर आप ज़्यादा स्प्रेड न लगाएं। अब हम एक केला लेंगे और केले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पूरे रोटी पर जो हमारा स्प्रेड लगा हुआ है उसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम कोनों पर केले के टुकड़े ना रखें, हमें बीच में ही सारे टुकड़ों को फैलाना है। और इस तरह हमारे पराठे का जो बेस है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोशिश करें ऐसे बर्तन में रखें जहाँ पर ये चिपके ना। और अब हम दूसरी एक और लोई लेंगे और इस बेस को ढकने के लिए एक और रोटी बनाएंगे। गाइस, कोशिश कीजिए कि आप जो रोटी बना रहे हैं वो दोनों लोई एक साथ लें ताकि साइज का प्रॉब्लम ना हो, एकदम बराबर रोटी बने। सो शुरुआत में ही दोनों लोइयाँ बना लें। और अब ये जो दूसरी रोटी है बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं उस रोटी को इस बेस के ऊपर पूरी तरह से ढक दूंगी और हाथ से बिल्कुल हल्के हाथ से सभी दूर से इसे दबा दें। किसी तरह का घी या पानी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है चिपकाने के लिए, ये ऐसे ही चिपक जाएगा। बस कोशिश कीजिए हाथ से आप एकदम धीरे धीरे से अच्छी तरह से दबा दें। अब तवा गर्म करके हम उसके ऊपर घी डालेंगे और उसे अच्छी तरह फैलाकर हमारा जो पराठा है वो हम डाल देंगे। आप चाहें तो पराठा सेकने के लिए बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार और दबा दें अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चिपका नहीं है तो। आप इस पर जितना ज़्यादा घी लगाएंगे, आप जितना थोड़ी थोड़ी देर में घी लगाते रहेंगे पराठा उतना अच्छा सेकेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, हमने अंदर केला यूज़ किया है क्योंकि, और दोनों तरफ से हम इसे धीरे धीरे सेक लेंगे। एकदम मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं करना है और थोड़ी थोड़ी देर में घी लगाते रहना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सो गाइस, हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में डाल लूंगी। दोनों तरफ से बहुत अच्छा से सिका गया ये। सो इट्स रेडी। सो गाइस, अगर आप चाहें तो इसे टुकड़ों में भी काट सकते हैं और काट के फिर सर्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे वैसे कर सकते हैं। सो गाइस, कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, चूँकि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। सो इस पराठे को बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।